नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियोमायोपैथी के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है कि कार्डियोमायोपैथी क्या हो सकता है, आप एक बार इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि प्राइमरली मायोकार्डियम की एबनॉर्मेलिटी से जुड़ी हुई है। तो ये एक ऐसी समस्या है जो कि मायोकार्डियम की एबनॉर्मेलिटी से जुड़ा हुआ है। तो कार्डियोमायोपैथी के बारे में हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये कार्डियक मसल्स की एबनॉर्मेलिटी है, इसलिए यह नॉन इस्केमिक, नॉन हाइपरटेंसिव ऐसी डिजीज जो कि वाल्व को इन्वॉल्व नहीं करती, केवल लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नहीं करा सकती, इसमें ओवरऑल चेंजेस होते हैं और वो भी मस्कुलर चेंजेस होते हैं, मायोपैथिक चेंजेस होते हैं। तो प्राइमरी जो एबनॉर्मेलिटी है वो कार्डियक मसल्स में है, मायोकार्डियम में यहाँ प्रॉब्लम होती है। तो ये नॉन इस्केमिक, नॉन हाइपरटेंसिव, ऐसा जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नहीं कराता और ऐसा जिसमें वेल्वुलर कोई लेजन प्रॉपर नहीं होते, ये ऐसी प्रॉब्लम है। यानी इसमें कुछ भी इस तरीके का नहीं होगा जो आप कह सकें कि ये एडिशनल फीचर्स रखता है। यहाँ सबसे बेसिक जो चीज समझ में आती है वो है मायोकार्डियम में होने वाली एबनॉर्मेलिटी। जब हम इसके डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम तीन तरीके से इसके बारे में कैटेगराइज करते हैं। इसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, दूसरा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी और तीसरा रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होता है। तो उसमें हम पहली कैटेगरी डायलेटेड टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी पर अब चर्चा कर रहे हैं। डायलेटेड टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे हाइपरट्रॉफिक की और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्टिव टाइप की। तो हम वन बाई वन चलेंगे और इस पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। डायलेटेड टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी की बात करें, इसके इशियोलॉजी की बात करें, तो ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है। इसके बारे में देखा गया है कि ये इसके लिए फैमिली या जेनेटिक फैक्टर्स कई बार रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार ये देखा गया है कि ये एक्स लिंक्ड ये डिजीज हो सकती है, इसका लिंक एक्स, ये एक्स लिंक प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार देखा गया है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशंस इसकी देखी गई है। कई बार देखा गया है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस भी दर्शाती है। तो इसके डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, अलग अलग तरीके से होते हैं। और देखा गया है इस दौरान कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी ये शो कर सकता है। तो इसके वाइड प्रेजेंटेशन है, एक्स लिंक्ड हो सकता है ये बीमारी, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस ये दर्शा सकता है, कई कारण हो सकते हैं। और इसमें देखा गया है इस म्यूटेशन में आमतौर पर मायोकार्डियम प्रभावित होती है। तो मायोकार्डियम प्रभावित होगी तो क्या होगा इसमें, आप एक बार इमेजिन करेंगे। इतनी बार आप मायोकार्डियम की एबनॉर्मेलिटी के बारे में सुन रहे हैं तो आप यही कह सकते हैं कि मायोकार्डियम की जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। तो इसमें होगा क्या, प्रोटीन्स खास तौर पर जो प्रोटीन होती हैं उनमें म्यूटेशन हो जाता है, उनकी स्ट्रक्चरल म्यूटेशन हो जाती है। तो इसमें देखने को मिलता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन में म्यूटेशन, अल्फा एक्टिन प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाते हैं, डेस्मिन प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाता है। तो इसमें कई अलग अलग प्रेजेंटेशन देखे जाते हैं। इसमें अल्टीमेटली ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं, चाहिए किसी भी वजह से होता हो, चाहिए एक्स लिंक्ड हो, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो, ऑटोसोमल रिसेसिव हो, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, कुछ भी रखता हो, लेकिन अल्टीमेट होगा क्या, इसका रीजन जो मायोकार्डियम पर देखने को मिलता है, मायोकार्डियम पर जो इसका इफेक्ट होता है वो होता है इसकी बेसिक जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाते हैं म्यूटेशन होने की वजह से। वो बदलाव डिस्ट्रोफिन प्रोटीन में हो सकता है, अल्फा एक्टिन में हो सकता है, डेस्मिन प्रोटीन में हो सकता है, लैमिन प्रोटीन में हो सकते हैं, ये चीजें इसमें देखी जाती हैं। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं इस बीमारी के बारे में तो ये जेनेटिक फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और खास तौर पर देखा गया है कि यहां पर डिस्ट्रोफिन जो जीन है उसमें म्यूटेशन होने की वजह से। तो यहां जो सबसे बड़ा कारण देखा गया है
वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के म्यूटेशन होने की वजह से उसकी डिफिशियंसी हो जाती है और उससे रिलेटेड एक बहुत ही मेजर कॉन्जेनाइटल एनोमली है जो कि ड्यूशने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पर डिफिशियंसी इन जीन डिस्ट्रोफिन में होने से, या इसके अलावा लैमिनिन मैंने आपको बताया, अल्फा एक्टिन बताया, डेस्मिन बताया, तो इनमें जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से यहाँ पर मायोकार्डियम एबनॉर्मेलिटी होती है। एक रिलेटेड प्रॉब्लम है डिस्ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक बीमारी होती है तो डिस्ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉफिन का स्ट्रक्चर बदल जाता है और उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, म्यूटेशन होने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। बात करें इसके लिए तो इसका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का दूसरा कारण हो सकता है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स में जैसे अल्कोहल, अल्कोहल का यूज होना, तो अल्कोहल का यूज करने से भी कार्डियक मसल्स, मायोकार्डियम पर फर्क पड़ता है, ये सबसे बड़ा कारण है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मायोपैथी में, कार्डियोमायोपैथी में सबसे बड़ा कारण तीनों कारण, मींस अभी हमने क्या डिस्कस किया आपसे, जो हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं इसमें अगर हम देखें तो हमारा टॉपिक है कार्डियोमायोपैथी। इसमें हमने तीन कैटेगरी आपको बताया, तीन कैटेगरी में कौन कौन सा था, डायलेटेड, दूसरा है हाइपरट्रॉफिक और तीसरा है आपका रिस्ट्रिक्टिव। ये तीन इसके टाइप्स हमने बनाए। इसमें डायलेटेड में हमने अभी हम आगे कई सारे कारण डिस्कस करेंगे, लेकिन डायलेटेड का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है अल्कोहल इनटेक, अल्कोहल लेने से। तो ये डायलेटेड इन तीनों में मोस्ट कॉमन होता है डायलेटेड, और डायलेटेड का मोस्ट कॉमन होता है अल्कोहल का इनटेक। ये लिंक बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर अल्कोहल का पॉइंट बताया। मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रॉब्लम है, ये कार्डियक प्रॉब्लम तो है, और इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए मैंने तो गीतिका खन्ना भट्टाचार्य का एक कॉन्साइज पैथोलॉजी की बुक आती है जो कि प्रॉफ एग्जाम्स के ओरिएंटेशन से उसमें नोट्स लिखे गए हैं, तो उसकी मदद से भी अगर हम पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो गीतिका खन्ना भट्टाचार्य एक एल्सवियर पब्लिशन की ये किताब है, तो वो अच्छी बुक है जिसमें हम अपने एग्जाम्स, जो होम एग्जाम्स होते, प्रोफेशनल एग्जाम्स होते, उसको हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो कार्डियोमायोपैथी में डायलेटेड का मोस्ट कॉमन कॉज है अल्कोहल इनटेक। जब हम इसमें इस तरीके की बातें करते हैं तो इसमें एक बार देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें बेसिकली होता है ये है कि पूरा का पूरा आगे चल करके हम देखेंगे जितने भी चारों कार्डियक चैम्बर हैं उनका ओवरऑल हम इस समय डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम इसको फिर से एक बार देख लेंगे। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जैसा कि हम नाम से समझ पा रहे हैं, इसमें डायलेशन हो जाएगा। डायलेशन कैसा होगा, यहां पर पूरा का पूरा जो कार्डियक जो चैम्बर्स हैं पूरे के पूरे डायलेट कर जाते हैं, और इतना ही नहीं यहां पर देखने को मिलता है हाइपरट्रॉफिक चेंजेस भी होते हैं, हार्ट इनलार्ज हो जाता है, और इस दौरान मतलब इसके वजन वेट भी बढ़ जाता है। इसका देखा गया है डायलेटेड है, कार्डियोमायोपैथी है, तो इसमें इसका वजन जो है ये 1000 ग्राम तक, यानी 1 केजी तक हार्ट का वजन हो जाता है। बहुत ज्यादा इसका वेट, सॉरी 1000 ग्राम है ये, यानी 1 केजी तक इसका वेट हार्ट का बढ़ जाता है। इस दौरान होता क्या है, ये इसका साइज बढ़ जाता है और ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर पाने में इसको प्रॉब्लम होती है। इसलिए कहा जाता है कि ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से सिस्टोलिक डिसफंक्शन होते हैं, ये बात याद रहना चाहिए। क्या होता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, जबकि हाइपरट्रॉफिक और रेस्ट्रिक्टिव में डायलेटेड डिसफंक्शन होते हैं। बात समझेंगे आप, यहां पर हाइपरट्रॉफिक और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में डायलेटेड डिसफंक्शन होते हैं, जबकि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में सिस्टोलिक डिसफंक्शन होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना जरूरी है। तो यहां पर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में सिस्टोलिक डिसफंक्शन होते हैं, हार्ट का साइज बढ़ गया और इसकी मसल्स इतनी वीक हो चुकी हैं कि प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं, तो ये दिक्कत होती है। मोस्ट कॉमन है जितने भी कार्डियोमायोपैथी होती है उसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी सबसे कॉमन है। इसका 90% प्रेजेंटेशन देखा गया है, 90% जितने भी कार्डियोमायोपैथी चेंजेस होते हैं उसमें 90% डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है। ये आमतौर पर 20-50 ईयर्स के लोगों में देखा जाता है, जबकि हम देखते हैं कि ये जो बीमारी है हाइपरट्रॉफिक या रेस्ट्रिक्टिव, ये बहुत कम होती है, जबकि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी अकेले 90% तक इसकी इंसिडेंस होती है।
ये चीज हमने देखा। हमने आपको बताया कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो कारण पर ही तो अभी हम बात कर रहे हैं, इसके कई कारण हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। वायरस भी हो सकता है, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, फैमिलियल हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, ये सारी चीजें होती हैं। और इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा उस पर अभी हम बात करेंगे, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पर, वो सारी चीजें अभी हम वन बाय वन लेकर के चलेंगे। तो हमने एक छोटा सा तो आइडिया बना ही लिया कि हार्ट बढ़ा हो जाएगा, काम नहीं सही से कर पाता, तो यहाँ पर सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, जो कार्डियक मसल्स है प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है। हम कहां पर है, हम है कार्डियोमायोपैथी में। कार्डियोमायोपैथी कितने प्रकार का है, डायस्टोलिक, हाइपरट्रॉफिक और डायलेटेड, हाइपरट्रॉफिक और रिस्ट्रिक्टिव, तीन तरीके के होते हैं। इसमें हम कहां पर है, डायलेटेड पर है। डायलेटेड में कौन सा डिसफंक्शन होता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। चलिए आगे की बात करें, तो यहां पर डायलेटेड मायोकार्डियल, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है वो है अल्कोहल का इनटेक। अब हम टॉक्सिन्स के बारे में भी देख सकते हैं, कई तरीके के टॉक्सिन्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें अल्कोहल भी एक तरीके का टॉक्सिन है, कोबाल्ट हो जाता है। इसमें एड्रियामाइसिन, ये एंटी कैंसरस ड्रग है, ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसमें कुछ हीमोक्रोमेटोसिस, ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एज ए टॉक्सिन्स। तो ये प्रीवियसली, हालांकि हीमोक्रोमेटोसिस को प्रीवियसली सोचा जाता था कि ये रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी का कारण है, लेकिन अब इसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का कारण माना गया है। अब हम बात करें और आगे चलें, तो यहाँ पर पोस्टपार्टम भी इसका एक कारण हो सकता है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कॉन्जेनेटल या जेनेटिक रीजन हमने पढ़े, फिर हमने पढ़ा टॉक्सिन्स, अब हम पढ़ रहे हैं, हमने तीसरा कारण इसका माना पोस्टपार्टम। चौथा कारण इसका क्या हो सकता है, चौथा कारण होता है मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन हो गया, मायोकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो गया, क्यों, वायरस की वजह से। वायरस की वजह से, जैसे एंट्रोवायरसेस, कॉक्सिकी वायरसेस, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन मायोकार्डियम, किसकी वजह से, वायरस की वजह से, ऐसा पॉसिबल है। टॉक्सिक डैमेज तो हम लोगों ने पढ़ लिया, हमने इसके पहले अभी देखा ना, हमने अभी बात किया अल्कोहल को एक बड़ा कारण माना, क्यों, क्योंकि वो टॉक्सिक डायरेक्ट डैमेज करता है, अल्कोहल डायरेक्ट डैमेज हो सकता है। इसके अलावा यहां पर हम जानते हैं कि अल्कोहल की वजह से थायामिन की डिफिशियंसी होगी, बेरी बेरी की वजह से भी हो सकता है, कोबाल्ट, कीमोथेरेपी, ये सारे कारण हैं जो टॉक्सिन्स में आ गए। पोस्टमार्टम की वजह से भी कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। मायोकार्डाइटिस जिसमें वायरस, कॉक्सिकी वायरस है ना, एंट्रोवायरसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो ये चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर पैथोलॉजिकल जब हम चेंजेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर कार्डियक मसल्स में कुछ हिस्से में हाइपरट्रॉफिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वैसे तो हार्ट ओवरऑल इनलार्ज हो जाता है, अगर हम बात करें ओवरऑल, तो हार्ट क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, और इसमें इसका वेट लगभग 1 kg तक बढ़ जाता है, 1 kg तक। तो ये यहाँ पर डायलेशन होता है, और ये माइक्रोस्कोपिकली देखने को मिलता है कि कुछ हिस्से में मायोकार्डियल फाइबर्स की हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है। तो ये हार्ट डायलेट ही नहीं हुआ, बल्कि मायोकार्डियम में हाइपरट्रॉफिक चेंजेस भी नजर आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो बात हमने डिस्कस किया कि मायोकार्डियल फाइबर्स जो है, मायोकार्डियल फाइबर्स की हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है, और चूंकि ये जो हाइपरट्रॉफी है उतनी बेहतर नहीं है, और इसलिए सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, कार्डियक मसल्स बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, तो अल्टीमेटली जो मसल्स भी हैं वो बेकार मसल्स हैं, जो हाइपरट्रॉफिक मसल्स हैं वो भी बेकार हैं। वो जो मसल्स हाइपरट्रॉफिक हुआ है उनका, वो भी मसल्स बेकार हैं, और कुछ दिनों बाद जगह जगह पर एट्रॉफिक चेंजेस शुरू हो जाते हैं, ट्रॉफी भी देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ सम मसल फाइबर, ये सीधे तौर पर माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में कहा जाता है कि हाइपरट्रॉफी ऑफ सम मसल फाइबर्स, वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ रीजन में, इन सम रीजन नेक्रोटिक चेंजेस, एट्रॉफी, इन सम एट्रॉफी कैन ऑल्सो अकर, और यहाँ पर कुछ हिस्से में इंटरस्टीशियल फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। आप जानते हैं एट्रॉफी के बाद क्या होगा, एट्रॉफी के बाद नेक्रोटिक चेंजेस होंगे, और उसके बाद वहीं पर कुछ जगहों पर फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। और आप जानते हैं ना कि जब एट्रॉफी होता है तो वहां पर मोनोन्यूक्लियर
सेल्स वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां डैमेज हो रहा है, डेथ हो रहा है, तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा। तो इस पूरे सिक्वेंस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम सीधे तरीके पे कह सकते हैं कि वहां पर मसल प्रोटीन ठीक नहीं है तो मारी जा रही है, मर रही है, तो वहां पर मोनो न्यूक्लियर इन्फल्ट्रेट हो रहा है। मोनो न्यूक्लियर इन्फल्ट्रेट यानी मोनो न्यूक्लियोसाइट्स जो है जो भी है वो वहां पर पहुंच करके मोनो न्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट होगा। और आप जानते हैं ना, ये इन्फिल्ट्रेट करेंगे और थोड़े दिनों बाद वहां पर मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट के बाद फाइब्रोसिस की प्रोसेस होगी, उस जगह को प्रॉपर कवर करने की कोशिश होगी। तो आप जानते हैं कि थोड़े दिनों बाद हीलिंग की प्रोसेस में फाइब्रोसिस वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं जिसके बारे में समझना जरूरी है। तो एक साथ यहां पर समझने की जरूरत है, पहले एट्रॉफी होगा, उसके बाद इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी साथ साथ होंगे, मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट होगा और बाद में वहां पर डैमेज कंट्रोल के लिए जो आगे हीलिंग की प्रोसेस होगी उसमें फाइब्रोसिस भी नजर आएंगे। तो यहां पर स्मॉल आगे चल करके नेक्स्ट स्टेज में जिस तरीके से हीलिंग की प्रोसेस में क्या होगा, स्मॉल सब इंडोकार्डियल स्कार्स भी नजर आते हैं। तो इसके बाद की अगली प्रक्रिया में क्या होगा, स्मॉल सब इंडोकार्डियल फाइब्रोसिस भी नजर आएगी, स्कार्स नजर आएंगे। फाइब्रोसिस तो हो ही गई है, स्मॉल सब इंडोकार्डियल फाइब्रोसिस भी नजर आती है। तो ये इस तरीके के चेंजेस नजर आते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा किस तरीके से उसमें माइक्रोस्कोपिक चेंजेस नजर आएंगे। ग्रॉसली तो हार्ट का वेट काफी बढ़ा हुआ होगा और इस दौरान ये देखने को मिलता है कि हार्ट का सिस्टोलिक फंक्शन डायलेट हो गया है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। मसल वो डायलेशन हो गया है हार्ट में, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। हार्ट किसी काम का नहीं होता, ये पूरी तरीके से बड़ा साइज तो हो गया जो भी है, लेकिन ये फंक्शन नहीं सही तरीके से कर पाता है, इसकी सिस्टोलिक डिसफंक्शन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस में देखते हैं। यहां पर पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या होगा, हार्ट का साइज ग्रॉसली बढ़ा हुआ नजर आएगा और यहां पर हार्ट में ना केवल हाइपरट्रॉफी होती है बल्कि कुछ हिस्सों में एट्रॉफिक चेंजेस होते हैं और ओवरऑल यहां पर हार्ट के चारों चैम्बर का साइज बढ़ा हुआ होता है और यहां मैक्सिमम हार्ट का वेट 1 kg तक बढ़ा हुआ देखा गया है। तो ये सारी चीजें होती हैं। कार्डियक यहाँ मायोपैथी जो है वो डायलेटेड टाइप की है और इस वजह से जो डिसफंक्शन होता है वो सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। अगर हार्ट चैम्बर इंक्रीज हो जाते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि हार्ट के चैम्बर्स चूंकि बड़े हो गए हैं तो यहाँ पर स्टेसिस भी हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशंस की जब हम बात करते हैं तो हार्ट आगे ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, हार्ट का साइज बढ़ा हुआ है और ये प्रॉपरली पंप भी नहीं कर पा रहा है। तो होगा क्या, इसके भीतर ब्लड आकर के रुका रहेगा, यहां पर ब्लड क्या होंगे आकर के कलेक्ट होते रहेंगे और इस वजह से यहां पर देखने को मिलता है थ्रॉम्बस का फॉर्मेशन, वो भी म्यूरल थ्रॉम्बस का फॉर्मेशन, वो भी क्यों, स्टेसिस की वजह से। ब्लड यहां रुका रहेगा, आगे पंप नहीं कर पा रहा, तो स्टेसिस की वजह से यहां पर म्यूरल थ्रॉम्बस का फॉर्मेशन होते हुए देखा जाता है। तो ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। यहाँ थ्रॉम्बस का फॉर्मेशन होता है और उसके चांसेस इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि स्टेसिस हो जाती है, यहाँ पर म्यूरल थ्रॉम्बस का फॉर्मेशन होता है, ये इसके साथ जुड़ी हुई एक बड़ी बात है। यहां पर हम देखते हैं कि ब्लड की स्टेसिस की वजह से थ्रॉम्बस का फॉर्मेशन होता है। यहां पर फंक्शनल रीगर्जिटेशन भी हो सकता है, और इस दौरान फंक्शनल रिगर्जिटेशन वो भी खासतौर पर मिट्रल रिगर्जिटेशन देखा जाता है। यहां पर कौन सा, फंक्शनल रिगर्जिटेशन में भी मिट्रल रिगर्जिटेशन देखा जाता है, और यहां पर चूंकि हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ब्लड है लेकिन उसको पंप नहीं कर पा रहा, तो यहां पर एरिदमिया भी देखने को मिलता है। अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो डेथ 5 सालों में हो सकती है। तो डेथ यहां पर एवरेज जो सर्वाइवल जो देखा गया है वो उसमें 5 ईयर, इसमें अप टू 5 ईयर्स तक वो सर्वाइव करते हैं। तो एरिदमिया होने की वजह से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है और एवरेज सर्वाइवल जो रेट है वो 5 ईयर्स की है, फ्रॉम द ऑनसेट टू डेथ, शुरुआत
पता चलने के बाद डेथ होने में लगभग 5 साल के भीतर इंसान उतनी ही लाइफ केवल जी पाता है, 5 ईयर्स तक का सर्वाइवल रेट इसमें होता है। तो एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी गंभीर दिक्कत है, इसलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। और यहाँ पर फंक्शनल रिगर्जिटेशन होता है जो कि मिट्रल रिगर्जिटेशन है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर प्रॉपर हार्ट पंप नहीं कर पा रहा तो इसलिए एरिदमिया भी होता है। अब यहाँ पर हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लिया, अब आगे चलते हैं तो हम यहाँ पर सिस्टोलिक डिसफंक्शन देखते हैं। ये तो मैंने आपको पहले से बताया हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर आप समझें क्या यहाँ पर सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है डायस्टोलिक, तो यहाँ सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। नाम सुनने से लगता है डायलेटेड है तो डायस्टोलिक, ऐसा नहीं, सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि कार्डियक मसल्स बेहतर नहीं है, वो अच्छे तरीके से पंप नहीं कर पाती, तो मसल्स डैमेज्ड हैं, एट्रोफिक चेंजेस हैं, जो हैं भी वो उल्टे सीधे तरीके की हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये चेंजेस कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ कार्डियक मसल्स प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाती ब्लड, तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। तो ये जितनी भी बातें हम लोगों ने किया इसमें देखा गया है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन भी घटता है, लेस देन 40% 50% तक इसमें घट जाता है, इस वजह से कार्डिक फंक्शंस बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। तो कार्डियोमायोपैथी में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यहाँ जो भी हम देख रहे हैं कार्डियोमायोपैथी का जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किया, अब हम उन्हीं सारी चीजों को एक बार फिर से शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे कार्डियोमायोपैथीज के बारे में। तो ये जो कार्डियोमायोपैथी क्या कहते हैं, इसमें मायोकार्डियम में चेंजेस होते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया उसी पॉइंट को हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, मायोकार्डियम में चेंजेस होते हैं, ये बेसिक पॉइंट है यहाँ पर। तो ये एक विशेष प्रकार की एनोमली है जो कि मायोकार्डियम में प्रॉब्लम होने की वजह से है। इसका कारण ना ही इस्केमिया है, यानी नॉन इस्केमिक है, या नॉन हाइपरटेंसिव है, नॉन वेल्वुलर डैमेज की वजह इसका कारण है, तो इसमें वेल्वुलर डैमेज भी नहीं होता है, कार्डियक मसल्स की प्रॉब्लम है। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, डैमेज टू मायोकार्डियम इसका बहुत बड़ा कारण होता है। इसमें पहला कारण हम पढ़ने जा रहे हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, पहले हम उसको समझ लें, रिवाइज कर लें, उसके बाद हम आगे की बातों पर चर्चा करेंगे। फास्ट करते चूंकि हमने इस पर चर्चा पहले ही कर लिया, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मोस्ट कॉमन टाइप है, जो कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी सबसे मोस्ट कॉमन है। इसके फिजियोलॉजी की बात करें तो जेनेटिक फैक्टर्स जिसमें डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स की वजह से या फिर म्यूटेशन इन प्रोटीन्स की वजह से, इसमें सबसे कॉमन है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का म्यूटेशन, में म्यूटेशन लैमिनिन एक्टिन इन सभी प्रोटीन्स में म्यूटेशन हो सकता है। टॉक्सिन्स की बात करें तो टॉक्सिन्स में अल्कोहल सबसे बड़ा कारण है, कोबाल्ट की टॉक्सिसिटी भी कारण हो सकती है। अल्कोहल के बारे में हमने चर्चा किया था कि ये थायामिन डिफिशियंसी फिर बेरी बेरी की वजह से कार्डियोमायोपैथी करा सकता है। अब ये हमने अल्कोहल को लिया, कोबाल्ट को के बारे में हमने कहा, एड्रियामाइसिन, ये डॉक्सरिब्यूसिन और हीमोक्रोमेटोसिस इनकी टॉक्सिसिटी से ये हो सकता है। पोस्टपार्टम रीजन भी हो सकते हैं इसके, मायोकार्डाइटिस जिसमें मैंने बताया था वायरल मायोकार्डाइटिस की वजह से, कॉक्सिकी और एंट्रोवायरसिस की इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। पैथोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो पैथोलॉजिकल चेंजेस में सारे चैम्बर्स डायलेट कर जाते हैं और हाइपरट्रॉफिड भी हो जाते हैं, और इसके साथ ही साथ एट्रॉफिक चेंजेस भी नजर आते हैं, सारी चीजें वहां नजर आती है। कुछ मसल फाइबर एट्रॉफिक हो जाते हैं, कुछ मसल फाइबर एट्रॉफिक हो जाते हैं, कुछ में हाइपरट्रॉफी होती है, और कुछ वहीं पर हम स्कार का भी फॉर्मेशन देखते हैं फाइब्रोसिस होने की वजह से। तो ये कई चीजें मिली जुली यहां पर देखने को मिलती है। मैक्सिमम हार्ट साइज यहाँ बढ़ जाता है और वेट जो है 1 kg तक हो सकता है, ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर म्यूरल थ्रोम्बोसिस हो सकता है, क्यों? क्योंकि ब्लड की स्टेसिस होती है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। इस दौरान फंक्शनल रिगर्जिटेशन हो सकता है, फंक्शनल रिगर्जिटेशन भी हो सकता है। यहाँ पर मेनली यहाँ पर क्या होता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40% तक हो जाता है, क्योंकि हार्ट जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके बारे में मैक्सिमम चीजों पर डिस्कस किया। अब हम बात करें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी इसमें क्या होता है, ये जहां हमने अभी इसके पहले देखा था कि ब्लड की स्टेसिस हो जाती थी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हम लोगों ने क्या देखा था, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में ब्लड आगे पंप नहीं किया जा पा रहा था क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन जो घट करके 40% से भी कम हो गया था, यानी यहां पर कंजेस्टिव चेंजेस होते हैं, कंजेशन होता है,
कंजेस्टिव प्रॉब्लम होती है और यहाँ पर कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा था सिस्टोलिक डिसफंक्शन, क्योंकि सिस्टोल में प्रॉब्लम है इसलिए कंजेशन हो रहा है। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में तो हमने ये पढ़ा था, यहाँ पर क्या होगा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में जो बेसिक बात जो यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। यहाँ पर होता है डायस्टोलिक डिसफंक्शन। डायस्टोलिक डिसफंक्शन क्यों होता है? क्योंकि हार्ट की जो ओवरऑल साइज नहीं बड़ी होती बल्कि मसल्स का हाइपरट्रॉफी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कार्डियक अगर हम इस तरीके चैम्बर्स को बनाए तो यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ इस तरीके की चेंजेस कि ये अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो इससे क्या होगा, चैम्बर का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। अब ये भीतर ये हाइपरट्रॉफी हो गई, मसल्स मोटी हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा। डायस्टोल में ये बहुत ज्यादा जा नहीं पाएंगे, डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, चैम्बर का साइज छोटा हो गया, इसलिए इम्पेयर डायस्टोलिक फीलिंग होगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये देखी गई है अधिकतर पेशेंट्स में ये इतना ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित करता है लेफ्ट वेंट्रिकल को कि इसमें 25% केसेस में देखा गया है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो में डिसफंक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 25% केसेस में लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो में डिसफंक्शन देखा जाता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यहां से ब्लड आगे बॉडी में भेजना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर 25% केसेस में देखा गया कि ये मसल्स इतनी मोटी हो जाती है कि ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है रास्ते में भी। हालांकि देखा गया ये भी एक पॉइंट है कि डायस्टोलिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी सबसे ज्यादा होता है ये सिस्टोलिक जो डिसफंक्शन की वजह से होता है, ये 90% केसेस में होता है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी लेस कॉमन है, ये बात हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम आगे तीसरी भी जो पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, वो भी लेस कॉमन ही होता है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। यहां पर भी देखा गया है यहां पर चूंकि वॉल मोटी हो गई है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो इसमें हाइपरट्रॉफी होने की वजह से ये देखने को मिलता है कि ये हाइपरट्रॉफी बहुत बेहतर हाइपरट्रॉफी इसलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग जो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है नहीं। तो होगा क्या, यहाँ मसल्स ये ब्लड सर्कुलेशन है नहीं प्रॉपर, तो ये जो मसल्स हैं वो डैमेज होंगी। तो इसमें देखा गया है कि मायोकार्डियल इस्चीमिया होगा और यहाँ पर फाइबर ये जो थिकनिंग है जो मसल फाइबर की हाइपरट्रॉफी है इसमें अब नॉर्मल फाइब्रस थिकनिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू भी काफी बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू अब नॉर्मली इंक्रीज कर जाते हैं और ये सारी चीजें प्रॉब्लम करती है। तो मायोकार्डियल इस्चीमिया होगा, अब नॉर्मल यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होगा। तो ये चीजें इसके साथ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अब नॉर्मल फाइब्रोसिस देखने को मिलता है, यहाँ पर ये हाइपरट्रॉफी क्यों हुआ, हाइपरट्रॉफी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स में म्यूटेशन हो गया। तो जहां डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में देखा था अलग कारण थे, यहां पर भी वैसे ही होगा, इनहेरिटेड म्यूटेशन होगा और खास तौर पर सार्कोमियर प्रोटीन्स में म्यूटेशन यहां पर होता है। तो यहां पर क्या होता है, सार्कोमियर प्रोटीन्स में म्यूटेशन होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इससे जुड़ी हुई है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन यहां पर एक बड़ा कारण है। पेशेंट हालांकि जैसा कि हमने उसमें बात किया था डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, जब हम पेशेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, तो हमने आपको बताया था कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, 5 सालों के भीतर ही व्यक्ति की डेथ हो जाती है, वो पर्सन मारा जाएगा, वो मर जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ये स्लोली प्रोग्रेस करता है और इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एक्सरसाइज कोई हैवी वर्क नहीं कर पाएंगे, चूंकि कार्डियोमायोपैथी है तो सब में लगभग वही बातें यहां पर देंगे देखने को मिलेगा। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में भी हम यही पाते हैं कि यहाँ एक्सर्शन या हैवी वर्क के दौरान सिम्टम्स उभरते हैं, यहां पर भी वही होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, डिस्पनिया होगा, एंजाइना होगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर होगा और सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। यहाँ पर स्लोली होता है, यहाँ पर सडन कार्डियक डेथ हो सकता है, हालांकि बाकी सारे सिम्टम्स एक जैसे ही होंगे। यहाँ डिस्निया होगा, एंजाइना होंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो कॉमन हमें अपने दिमाग में एक प्रॉब्लम की क्या हो सकता है वो चीजें बना करके चलनी चाहिए। ग्रॉस अपीयरेंस कैसा होगा यहाँ पर देखने को मिलता है,
हाइपर कॉन्ट्रैक्टिंग हार्ट नजर आएगा और यहाँ पर जो हाइपरट्रॉफी है वो भी एसिमेट्रिकल होती, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो ये एसिमेट्रिकल ग्रॉसली देखने पर एसिमेट्रिकल मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन 25% केसेस में लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इन मसल्स के मोटे होने से। इसके अलावा देखा जाता है कार्डियक जो मसल जो मोटी हुई हैं उनमें इस्कीमिया होगा क्योंकि उस रेशियो में ब्लड सर्कुलेशन नहीं दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर फाइब्रोसिस भी हो जाती है, नॉर्मल फाइब्रोसिस हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो मसल्स जो जिनकी संख्या बढ़ी है वो भी फॉल्टी मसल्स हैं, सार्कोमियर म्यूटेशन हुआ है, बीटा मीन्स यहाँ पर कुछ इनहेरिटेड म्यूटेशन हुए हैं और यहाँ एबनॉर्मल फाइब्रोसिस हुआ है। ये पॉइंट हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। तो ये है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी से संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम उसको जल्दी जल्दी एक बार यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इसकी इशियोलॉजी क्या है, इसके जेनेटिक फैक्टर, इसके कुछ अपने रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जो कि मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, उसको उसमें डैमेज देखने को मिलता है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो मसल फाइबर्स हैं उनमें चेंजेस होते हैं, तो वो भी मायोसिन, ट्रोपोनिन, टी ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोमायोसिन में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं सार्कोमियर प्रोटीन की वजह से। अभी जेनेटिक जो हमने कारण अभी देखा उसमें क्या है, जेनेटिक कारणों में म्यूटेशन इन सार्कोमियर प्रोटीन, ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, म्यूटेशन इन सार्कोमियर प्रोटीन। और ये यहाँ मायोसिन में चेंजेस देखने को मिलता है, ट्रोपोनिन टी में, जो भी मसल की जो फंडामेंटल जो प्रोटीन्स हैं मसल प्रोटीन्स हैं उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, इनमें चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। तो मायोसिन, ट्रोपोनिन, टी और आई, इनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ट्रोपोमायोसिन भी इसमें यहाँ पर होता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने दूसरा जो कारण पढ़ा कि इसका इशियोलॉजी में जो कारण देखा वो जेनेटिक था। दूसरा यहाँ पर दूसरा जो इसका कारण है वो है उस बच्चे में जो कि डायबिटिक मदर की प्रेगनेंसी से जन्म लेता है। तो ऐसा इन्फेंट जो कि डायबिटिक मदर की प्रेगनेंसी के दौरान है, तो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, इसमें क्या होता है, मदर में शुगर का लेवल हाई होता है, इसकी वजह से इन्फेंट में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। इन्फेंट में शुगर का लेवल हाई होने से क्या होगा, इन्फेंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इन्फेंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, ये ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करते हैं, ग्रोथ बच्चे का ग्रोथ हो जाएगा। तो इस वजह से जब बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ होता है तो मायोकार्डियम में भी ग्रोथ होता है। तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में एक दूसरा कारण ये होता है, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स में इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। तीसरा कारण यहाँ पर होता है फेडरिक अटैक्सिया, ये भी इसका कारण होता है यहाँ पर, एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पर क्या होगा, पैथोलॉजिकल चेंजेस कुछ इस तरीके से होते हैं। आप देखें यहाँ पर फेडरिक अटैक्सिया में, फेडरिक अटैक्सिया में पैथोलॉजिकल चेंजेस ये होते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और जो इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और देखें एक साइड में ये कुछ ज्यादा ही हाइपरट्रॉफीड हो गया है, तो इस वजह से वेंट्रिकुलर कैविटी बनाना शेप की यहाँ पर नजर आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर वेंट्रिकुलर कैविटी जो है ये देखिए किस तरीके से हाइपरट्रॉफी हो रही है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में हाइपरट्रॉफी होने की वजह से जो कैविटी है, देखें आप लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी, वो बनाना शेप की हो जाती है। तो ये बनाना शेप्ड कैविटी यहाँ पर देखने को मिलता है, बनाना शेप्ड वेंट्रिकुलर कैविटी। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये डायस्टोलिक डिसफंक्शन दर्शाता है और इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन 50-60% तक होता है। इसके पहले वाले में क्या था, less than 40% था जो कि डायस्टोलिक में था। यहाँ पर भी हार्ट के चैम्बर का साइज घट गया है, डायस्टोली ही नहीं हो पा रही है, तो इसलिए सिस्टोल भी नहीं हो पाएगा, डायस्टोल ही नहीं हो पा रहा अच्छे तरीके से, तो सिस्टोल नहीं हो पाएगा, तो इजेक्शन फ्रैक्शन गिर करके 50-60% तक ही रह जाता है। तो ये चीज यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर चूंकि कार्डियक मसल्स में मैंने आपको बताया था कार्डियक मसल्स में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, तो इसलिए एंजाइना लाइक पेन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंजाइना लाइक पेन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे तीसरी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के बारे में, तो इसमें क्या हो जाता है, हार्ट पूरी तरीके से पंप नहीं कर पाता क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी मसल्स उतनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी दर्शा नहीं पाती है।
हार्ट के मसल्स पूरी तरह कॉन्ट्रैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए कर पाना पॉसिबल नहीं पा रहे क्योंकि उनकी रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्शन है उनके मोशन में। तो यहाँ पर डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। और इस दौरान देखा गया है कि जो इसका इंसिडेंस है ये भी बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा कॉमन है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें जब हम बात करें एज का, तो हमने जहां देखा था डायलेटेड के लिए, मैंने आपको बताया था डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के लिए हमने एज आपको बताया था 20-50 ईयर्स के एज ग्रुप में होता है। वैसे ही हाइपरट्रॉफी, जो सेकेंड वाली कैटेगरी भी हम पढ़ करके आ रहे हैं, उसमें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में हमने इसका दूसरा नाम आप समझ लें, डायलेटेड में क्या था, कंजेशन बड़ी खास चीज थी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में सबसे खास चीज होती ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। मैंने आपको बताया ना लेफ्ट वेंट्रिकल का जो इजेक्शन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ये एक चीज होती है कार्डियक मसल्स की मोटाई हो जाना, तो इसको ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ये भी लेस कॉमन होता है और ये 25 से 40 साल की उम्र में ज्यादा कॉमन देखा गया है। और तीसरी जब हम बात करते हैं, ये हमने दो तो डिस्कस कर लिए है ना, अब हम चलते तीसरी की बात करते हैं जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में। रिस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में जब हम देखते हैं एज का, तो एज का प्रेजेंटेशन काफी वेरिएबल है, तो इसलिए हम एज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। बस ये कह सकते हैं कि हार्ट रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इतनी बेहतर नहीं है कि वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ये यहाँ पर खास चीज देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में वन बाय वन और भी बातों पर चर्चा करते हैं। तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी क्यों होता है, ये एमाइलोडोसिस की वजह से होता है। तो यहाँ पर देखने को कुछ इस तरीके से मिलता है कि दोनों ही वेंट्रिकल्स प्लास्टिक जैसे हो जाते हैं, यानी वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं आ गई है, वेंट्रिकल्स प्लास्टिक जैसे हो गए हैं। ऐसी घटना एमाइलोडोसिस के दौरान देखने को मिलती है। तो जहां हमने देखा इसके पहले डायलेशन में हमने देखा पूरे चारों के चारों चैम्बर डायलेट होते हैं। जब हमने हाइपरट्रॉफी की बात किया सेकेंड वाले केस में, तो वहां पर चारों के चारों चैम्बर में मसल फाइबर्स मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर वेंट्रिकल प्लास्टिक जैसे हो गए और एट्रिया बेहतर है। कुछ ऐसा हो जाता है कि यहां जब हम इसका शेप देखने की कोशिश करते हैं, तो वेंट्रिकल्स पूरी तरीके से प्लास्टिक जैसे हो गए, पंप ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, ब्लड बैक फ्लो करते हुए यहां पर एट्रियम में इकट्ठा होता जाता है। तो इसमें एट्रिया की साइज बड़ी हो जाती है और वेंट्रिकल छोटे साइज के हो जाते हैं, प्लास्टिक लाइक वेंट्रिकल नजर आता है। ये इसके साथ जुड़ी हुई काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए अब हम इसमें और देखते हैं। तो यहाँ पर प्लास्टिक लाइक होता है क्यों, क्योंकि एमाइलोडोसिस के कारण होता है। और ये सार्कोइडोसिस में भी देखने को मिल सकता है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको सार्कोइडोसिस के दौरान। और इसमें हम ओवरऑल देखते हैं कि यहाँ हार्ट को अलग अलग तरीके से डैमेज होता है। और ये अगर आप देखें तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक जैसा बिहेव कर रहा है, ये मार्किंग गलत है, मार्किंग यहाँ पर वेंट्रिकल में होनी चाहिए। वेंट्रिकल में प्लास्टिक लाइक बिहेवियर होने की वजह से आर्ट्रिया डायलेट करता है, क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल प्लास्टिक जैसा बिहेवियर दर्शाते हैं। अब इससे क्या होगा, दोनों ही आर्ट्रिया डायलेट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर बाई एट्रियल डायलेशन देखने को मिलता है, बाई एट्रियल, धीरे धीरे क्या होगा, ये एट्रियम डायलेट करना शुरू कर देगा क्योंकि नीचे वेंट्रिकल ब्लड को ले नहीं रहा है, तो ऊपर ही ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से बाई एट्रियल डायलेशन देखने को यहाँ पर मिलता है। ये इसके साथ जुड़ी हुई काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बाई एट्रियल डायलेशन होता है, ये बहुत इसकी कॉमन प्रेजेंटेशन होती है। इसमें हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी में जब हम बात कर रहे हैं, चलिए उन सारी चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। अभी तक हमने दो चीजों को पढ़ा, पहले हमने डायलेटेड को कर लिया, बीच में हमने डिस्कस किया था हाइपरट्रॉफिक और रिस्ट्रिक्टिव। तो जो हमने उनके बारे में डिस्कस किया उसी चीज को अब हम शॉर्टकट कर रहे हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में मैंने आपको बताया था जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें म्यूटेशन होता है प्रोटीन में, मायोसिन में, ट्रोपोनिन में और ट्रोपोमायोसिन में। ये बात हमने डिस्कस किया था, वही चीज अब मैं रिवाइज कराना हूं। यहां पर इन्फेंट्स में, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में ये कारण हो सकता है हाइपरट्रॉफिक वाला, याद होगा आपको। अभी हम सेकंड कैटेगरी को रिवाइज करा रहे हैं, उसके बाद हम तीसरी कैटेगरी रिस्ट्रिक्टिव को भी हम रिवाइज करेंगे। तो सेकंड कैटेगरी में हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, डायबिटिक मदर के इन्फेंट में ये चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा तीसरी बात भी हमने डिस्कस किया था, फ्रेडरिक एट्रेक्सिया, इसमें हमने देखा था पैथोलॉजिकल चेंजेस, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में कोई, और ये किसी भी तरीके की यहाँ पर हम बात जब करते हैं तो यहाँ पर एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है। ये भी बात मैंने आपको बताया था, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है, हार्ट की
ग्रॉसली देख नहीं पा रही है वहां पर, एसिमेट्रिकली कहीं ज्यादा ट्रॉफिड है कहीं कम ट्रॉफिड है, ट्रॉफी कहीं ज्यादा है, मसल फाइबर मसल की थिकनेस कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ये चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर सिप्टम में भी इसी तरीके से एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, जिससे वेंट्रिकल कैविटी बनाना शेप की हो जाती है। ये बात हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद होगा आपको। और इसके अलावा हमने यहाँ पर बात किया था डायस्टोलिक डिस्फंक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। इजेक्शन फ्रैक्शन हमने बताया था 50-60% रह जाता है। और कॉम्प्लायंस की जब हमने बात किया था तो एंजाइनल पेन होते हैं, हमने बताया था उसका भी कारण क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है और ब्लड वेसल्स उतने बेहतर डेवलप नहीं है। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी जिसके बारे में सबसे लास्ट में डिस्कस किया था, उसमें क्या होता है इशियोलॉजी ये होती है एमाइलोडोसिस की वजह से ये घटना घटती है, सार्कोइडोसिस की वजह से ये हो सकता है, इसमें क्या होता है यहाँ पर रेडिएशन डैमेज की वजह से भी ये चीजें हो सकती है, इसमें वेंट्रिकल्स प्रॉपर पंप नहीं करते तो एट्रिया ज्यादा डायलेट कर जाती है, तो इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस में दोनों वेंट्रिकल प्लास्टिक जैसे स्टिफ हो जाते हैं और ये डायलेट प्रॉपर नहीं करते ड्यूरिंग द डायस्टोल, ये घटना देखी जाती है, इसलिए बाई एट्रियल यहाँ डायलेशन होता है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इस तरीके से बाई एट्रियल डायलेशन हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये भी बहुत कम इसका प्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों तरीके के कार्डियोमायोपैथी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और यहाँ पर जितनी भी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया ये होम एग्जाम्स में जो आप लोगों का इंटरनल एग्जाम्स हो तो उसमें इस पर बेस्ड सवाल पूछने की काफी गुंजाइश रहती है, इसलिए उम्मीद है कि मेरा जो प्रयास है वो आपको कहीं ना कहीं मदद पहुंचाएगा।